ही एवरी वन वेलकम बैक टू इन्विस्ट पीडिया इंडिया वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विच शिफालीगर सो गाइज हे आई कम विद द मोस्ट अवेटेड वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे बहुत ही छोटे पोर्टफोलियो के लिए अप्रोच किया फिफ्टी थाउजेंड वन लैक या फिर उन लोगों के लिए जिन्होंने नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर करके मुझे रिक्वेस्ट करा ये वीडियो बनाने के लिए आप सभी के लिए मैं लेके आई हूँ अपना वीडियो जिसमें आपके फर्स्ट फिफ्टी थाउजेंड जो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है उसमें ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा पोर्टफोलियो क्रिएशन इज नॉट दैट इजी। सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी फिनेंशियल हेल्थ पहचानें आपकी क्या रिस्क एपेटाइट है आपकी क्या इनकम है आपके ऊपर क्या लाइबिलिटीज़ है आपके क्या एसेट्स है इस सब का आप एनालिसिस करें उसके बाद में यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स यू कैन नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट यानी अगर आपकी इन्वेस्टमेंट एपेटाइट वन लाख रुपीज़ है तो आप पूरा का पूरा वन लाख सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्यों क्योंकि अगर आपको पैसों की रिक्वायरमेंट हुई जो हर किसी को कभी भी हो सकती है एमरजेंसी कह के नहीं आती और अगर आपने अपने सारे पैसे इक्विटी में ही लगा रखे हैं तो जब आपको प्रॉब्लम होगी जब आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी इवेंचुअली आप अपना जो इक्विटी पोर्टफोलियो है उसी में से पैसे निकालोगे उसमें प्रॉब्लम क्या है कि इक्विटी मार्केट को आप टाइम नहीं कर सकते इक्विटी मार्केट का रूल है उसमें बुल भी आएगा बेयर भी आएगा तेजी भी आएगी मंदी भी आएगी तो अगर आपको इमरजेंसी में बिना प्लानिंग के पैसे इक्विटी में जो आपने इन्वेस्ट करे हैं वो निकालने पड़े तो हो सकता है कि आप अननेसेसरीली लॉसेस में पैसे निकालो या फिर आप कम प्रॉफिट में पैसे निकालो इसलिए बेटर है कि इमरजेंसी के लिए कंटिजेंसी फंड आप अलग से क्रिएट करो डेट में भी इन्वेस्ट करो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करो सो डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अब जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको कितना अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो अगर आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट से फिफ्टी थाउजेंड वन लैख इस तरीके का कुछ है इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए तो उसको आपको किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए किस तरीके से इक्विटी में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए उसके लिए ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा पूरा समझने के लिए वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए लेकिन उसके पहले आपको मेरे कुछ काम करने हैं अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके सब्सक्राइब करना है और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना है और अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो उसे आपको वरिधि स्टाइल शो का एक बार चैनल जरूर दिखाना है अगर अच्छा लगे तो उसे भी सब्सक्राइब करना है अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपका पोर्टफोलियो मैनेज करूं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपना नंबर छोड़ सकते हैं माय टीम वुड गेट बैक टू यू अगर आप मेल करना चाहते हैं तो इन्वेस्टोपीडिया इंडिया जीरो एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर आप मेल कर सकते हैं लेकिन फिफ्टी थाउजेंड वन लैख इज़ अ वेरी स्मॉल साइज इतना छोटा पोर्टफोलियो मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी और इसलिए ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए है पी एम एस एल एम एस ट्रेडर इन्वेस्टर प्लान सब के लिए आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाने के लिए भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है नाउ लेट स्टार्ट विथ टूडेज़ वीडियो फर्स्ट फिफ्टी थाउजेंड को हम डिवाइड करते हैं सेवन पार्ट्स में ठीक है

हर इंडस्ट्री का आउटलुक चेंज होता रहता है हर टाइम पे अलग अलग सेक्टर होते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग ग्रोथ सेक्टर्स होते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फ्यूचर आउटलुक वाला फ्यूचर प्रॉमिसिंग सेक्टर कौन सा है अगर हम अभी की बात करें तो आई टी इज़ वन सच सेक्टर जो फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल रखता है तो फर्स्ट

हर इस तरीके का ग्रोथ पोटेंशियल सेक्टर जो है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो आई का मैंने एग्जाम्पल लिया है इसमें ऑलरेडी फोर्टी नाइन परसेंट की ग्रोथ हो चुकी है जब आप अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर रहे हो उसमें आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है कि आप किसी ऐसी स्क्रिप्ट को लेके ना फंस जाओ जो कंसोलिडेट करेगा ओवर बॉर्ड जोन में हो इस चीज़ में स्क्रिप्ट सिलेक्शन में आपको थोड़ा सा पर्टिकुलर रहना है क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट सिलेक्शन होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट एंट्री और एग्जिट टाइम डिसाइड करना होता है बट येस आई टी सेक्टर हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल कोविड पेंडेमिक के बाद इस सेक्टर का जो फ्यूचर आउटलुक है वो और ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है क्योंकि नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स बढ़ चुके हैं लोगों की डिपेंडेबिलिटी ऑन इंटरनेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ चुकी है बीट मेडिकल सेक्टर बीट कॉरपोरेट्स हर जगह ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है सो डेफिनेटली आई टी इज़ अ प्रोमिसिंग सेक्टर अगर हम बात करें आई टी में आप एक्यूमुलेट कर सकते हो कोई भी स्टॉक्स लाइक टी सी एस इन्फोसिस विप्रो एच एल टैक महिंद्रा टैक सो एनी स्टॉक विच इज़ गुड परफॉर्मिंग स्टॉक ऑफ आई टी सेक्टर यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट यू हैव डिडेड यूर फिफ्टी थाउजेंड इंटू सेवन पार्ट रिमेंबर सो फर्स्ट वॉज गिवन टू आई टी नाउ कमिंग टू द सेकेंड ट्वेंटी परसेंट दैट इज नेक्स्ट टेन थाउजेंड दिस यू हैव टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स दैट आर डिफेंसिव इन नेचर क्यों? क्योंकि एक अच्छा पोर्टफोलियो वो है जो बुल मार्केट के वक्त तेजी के वक्त आपके प्रॉफिट्स को बहुत बढ़ा दे लेकिन बेयर्स के वक्त कंसोलिडेशन के वक्त आपको लॉसेस ना दिखाए आपके जो प्रॉफिट्स है उनको लॉसेस में ना कन्वर्ट कर दे प्रॉफिट कम हो जाए दैट इज अंडरस्टैंडेबल बट लॉसेस में नहीं जाना चाहिए आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड पोर्टफोलियो कि बुल्स में वो प्रॉफिट बहुत बढ़ा दे लेकिन बेयर्स में लॉसिस में ना जाए इसके लिए जरूरी है कि हमने एग्रेसिव स्टॉक लिया हमने फ्यूचरिस्टिक स्टॉक लिया अब हम कौन सा स्टॉक लेंगे डिफेंसिव स्टॉक डिफेंसिव स्टॉक्स वो स्टॉक्स है जो बहुत ज़्यादा आपकी हाई डिविडेंड बिल्डिंग स्टॉक रहेंगे और बहुत स्लो पेस पर पे बढ़ेंगे बहुत तेज़ी से जब मार्केट बढ़ेगा तो वो बढ़ेंगे नहीं लेकिन जब गिरेगा तब गिरेंगे भी नहीं और साथ में आपको एक छोटी सी सेकेंडरी इनकम देते रहेंगे डिविडेंड के फॉर्म में जिस तरह के स्टॉक्स है इसमें डाबर आ सकता है एशियन पेंट्स आ सकता है बर्जर पेंट्स आ सकता है और भी बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस कैटेगरी में आ सकते हैं आई हो गया आई हो गया और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ आई एम नॉट सेईंग यही स्टॉक्स ऑफ लीजिए क्योंकि हर स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट

ये स्टॉक्स गिर भी सकते हैं कम भी हो सकते हैं लेकिन अगर ये बढ़े तो ये हमें बहुत मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकते हैं एग्जाम्पल डिक्सॉन हो सकता है एग्जाम्पल मोइल हो सकता है क्योंकि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है आने वाला टाइम रोबोटिक्स का है आने वाला टाइम फोर जी फाइव जी सिक्स जी का है तो ये जो स्टॉक है वो मोइल हो सकता है वो वोडाफोन हो सकता है वो रिलायंस हो सकता है वो डिक्सॉन हो सकता है वो टेनला हो सकता है वो रूट हो सकता है तो कोई सा भी स्टॉक हो सकता है आपको अपनी रिसर्च करनी है उसके बाद डिसाइड करना है और फिर एक्यूमलेशन करना है बेसिस योर फाइनेंशियल हेल्थ नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फिफ्टीन परसेंट फोर्ट थर्टी थाउजेंड हम इन्वेस्ट कर चुके हैं हमारे पास बचे ट्वेंटी थाउजेंड इस ट्वेंटी थाउजेंड में से अब हम बात करते हैं फिफ्टीन परसेंट की दैट इज सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये आप इन्वेस्ट करोगे ईटीएफ स्टॉक्स में जैसे हो गया निफ्टी में जो प्रेजेंट स्टॉक्स है टॉप फाइव टॉप टेन या फिर सेंसेक्स में जो स्टॉक्स है क्योंकि ये जो स्टॉक्स होते हैं ये जनरली जब भी मार्केट बढ़ता है तो बढ़ते हैं तो इसलिए इस तरह के स्टॉक्स में एक्सपोजर आपको कॉन्स्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ ज़रूर देगा हो सकता है कि बहुत अच्छी ग्रोथ ना दे बट पॉजिटिव ग्रोथ देगा डिपेंडिंग ऑन द स्क्रिप्ट सिलेक्शन अगेन इन दिस यू कैन पिक एन नंबर ऑफ शेयर्स डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस या तो आप ज़्यादा शेयर्स ले सकते हैं या फिर आप टॉप तो थ्री पिक कर सकते हैं टोटली डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल उसके बाद फिफ्थ पार्ट हमारा होगा फाइव परसेंट फाइव परसेंट दैट इज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ ये हम इन्वेस्ट करेंगे एफ एम सी जी सेक्टर में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ये सेक्टर ऐसा है जो हर समय जिसमें डिमांड रहती है अगर हम बात करें पेंडेमिक की कोविड पेंडेमिक के वक्त भी ये इकलौता ऐसा सेक्टर था जिसमें डिमांड थी राइट सब कुछ लॉकडाउन होने के बाद भी इंसान खाना पीना नहीं छोड़ता ब्रश करना नहीं छोड़ता नहाना नहीं छोड़ता तो जो ये बेसिक रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आने वाली चीज़ें हैं इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती तो हम फाइव परसेंट यानी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज इन्वेस्ट करेंगे एफ एम सी सेक्टर में ये हो सकता है ब्रिटानिया ये हो सकता है हिंदुस्तान यूनिवर ये हो सकता है कोलगेट ये हो सकता है आई टी सी ये हो सकता है गोदरेज कंज्यूमर यू हैव टू सेलेक्ट दिस स्टॉक डिपेंडिंग आपने दूसरे सेक्टर्स में कौन से स्टॉक्स लिए किसी में आप महंगा स्टॉक ले सकते हो किसी में सस्ता ले सकते हो सी पोर्टफोलियो क्रिएशन इज एन आर्ट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रटेजिक बहुत अच्छे से जितना अच्छे से आप इसे करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा लॉन्ग रन में नाउ वी हैव कंप्लीटेड सिक्स पार्ट्स सी आप अगर महंगा स्टॉक भी लेना चाहते हो ना तो आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि मैं कैसे एक्यूमुलेट करूँ आप हमेशा एस मोड लगा सकते हो सो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान यू कैन डिसाइड कमिंग टू द नेक्स्ट फाइव परसेंट टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज ये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सेफ एवन स्टॉक्स में जो स्टॉक्स मार्केट से इतना ज्यादा अफेक्टेड नहीं होंगे एंड जो स्विचेस है मार्केट के बुल एंड बेयर वाले उससे अफेक्टेड नहीं होंगे द नेक्स्ट एंड द लास्ट फिफ्टीन परसेंट दैट इज सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज ये आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे आपको होल्ड करके रखना है यस yes, आप बोलोगे मैम फिफ्टी थाउजेंड ऑलरेडी स्मॉल अमाउंट था उसमें से भी आप कह रहे हो साढ़े सात हज़ार था रुपये इन्वेस्ट मत करो होल्ड करके रखो वाई इसलिए क्योंकि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा मार्केट को आप टाइम नहीं कर सकते हो सकता है आपने बाइंग स्टार्ट की और उसके बाद मार्केट में करेक्शन आ गया कंसोलिडेशन आ गया सो so, कभी भी जब करेक्शन आता है हर सेक्टर में एक साथ नहीं आता अलग अलग सेक्टर में अलग अलग टाइम पे आता है तो डिपेंडिंग कि कौन से सेक्टर में करेक्शन आया है आपके पास जो होल्डिंग्स है उसमें से कौन सी होल्डिंग कितना करेक्ट कर रही है उसके बेसिस पे एवरेजिंग करने के लिए बी एच रूल का सेकेंड स्टेप अप्लाई करने के लिए आप ये 15% परसेंट दैट इज़ सेवन थाउजेंड फाइव होल्ड करके रखेंगे एंड टाइम टू टाइम इससे एवरेजिंग करेंगे एवरेजिंग भी ऐसा नहीं है बस थोड़ा सा टू परसेंट थ्री परसेंट स्टॉक गिरा और आपने एवरेजिंग कर ली बट ये कॉन्स्टेंट रूल नहीं हो सकता क्योंकि जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है वो बहुत ज़्यादा गिरती भी नहीं है For every script, you have to be alert. You have to do your research. You have to be, uh, you know, free from greed. You have to be very mindful, and then you can create a very good portfolio. So, all the best to all of you. I hope aapko ye video apna portfolio create karne mein help karega और आप एक बहुत अच्छा portfolio बना पाएंगे। अगर ऐसा है, अगर video आपको अच्छा लगे, please ऐसे like एं share कीजिए। Thank you so much.